श्री राधा बाबा जी वर्णन करते हैं। क्या महापुरुष थे, उनकी वाणी कानों में जाती है तो लगता है सामने सचमुच उनको दिख रहा है और वो बोल रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक दिन किशोरी जू अपनी सखियों के साथ पुष्प चयन के लिए जा रही थी निकुंज से होते हुए गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड की ओर। तो प्रिया जी जब वन में जा रही थी, वन से पधार रही थी, आगे आगे रूप मंजरी चल रही है और पीछे पीछे श्रीजी ललिता के साथ चल रही है। तो यमुना किनारे जो पगडंडी है उस पर किशोरी जो चली जा रही है धीरे 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 धीरे, और चलते चलते अचानक क्या होता है, श्री जी पीछे मुड़ के देखती है, थोड़ा रुकती है और पीछे देखती है झांक के, मानो कुछ कुछ ढूंढ रही हो। फिर थोड़ा चलती है, फिर रुक के पीछे देखती है। ललिता पूछती है कि क्या हुआ, बार बार तुम पश्चिम की ओर देखे जा रही हो, बार बार उधर ही तुम्हारी निगाहें हैं, क्या देख रही हो। श्री जी कहती है, ललिता मुझे वहां पर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और वही रुक जाती है थोड़ी देर, तभी एक सखी बड़ी जोर से भागती आती है, बाल फैले हैं, लाल आंखें हैं, एकदम भागी भागी बाबरी की तरह पागलों जैसी एकदम आती है और आती श्री जी को हृदय से लगा लेती है। राधा रानी उसके सर पर हाथ फेरती, क्या हुआ, क्यों रो रही है। उसकी आंखों से अश्रुधार बहती है और एक ही स्वर में गाती है, काहे मारे नैना बान सांवरो, काहे मारे नैना बान सांवरो। बस यही गाती जा रही है, बस पागलों की, इससे आगे बढ़ती नहीं, काहे मारे नैना बान सांवरो। और ये कहती कहती भागी, फिर से भाग गई, एकदम राधा रानी के हाथ से छूटी और भागी दूसरी ओर। राधा रानी ने रूप मंजरी को करी, जा इसके पीछे जा, ये बावरी कहाँ जा रही है, इसको पकड़। रूप मंजरी उधर भागती है, इधर राधा रानी श्याम सुंदर को देख रहे, कदम की छाया में देखो वो बंशी बजा रहे। ललिता कहती है, अरे रानी तुम बावरी हो गई हो, कहाँ, अरे अभी तो हम जा रहे राधा कुंड श्याम कुंड में, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे, वो वहां मिलेंगे, यहाँ थोड़ी है। थोड़ा ढाढ़स रख, थोड़ी धीरज रख, अभी हम पहुंचेंगे वहां पे, फिर जो मन में हो उनसे बात कर लेना। लेकिन श्री जी का हृदय एकदम उतावला हो गया, इधर देखती है उधर देखती है, फिर एक समय आता दोनों कानों पर हाथ रख के बैठ जाती है। ललिता बोली, क्या हुई। बोले, मैं मुझे कृष्ण की बंशी अपनी ओर खींच रही, इसलिए मैं कानों को बंद करे बैठी हूं कि सुनाई ना दे। ललिता बोली, पर मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुझे कहां से सुनाई दे देता है। तो इतने में वो जो भागी थी बावरी, काहे नैना काहे मारे नैना बांसा, वो आ गई दौड़ती हुई और आकर के उसने फिर राधा रानी को हृदय से लगाया। तो राधा रानी ने उससे कहा है, उस सखी से, कि बता तुझे श्याम सुंदर दिखाई दे रहे, देख कदम के पीछे ठाड़े है ना। वो बोली, हाँ देखो कदम के पीछे ठाड़े और मेरा नाम ले रहे। अब ललिता बोली, इनको भी सुनाई दे रहे हैं, इनको भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो ललिता पूछती है रूप मंजरी से कि जरा पूछ तो सही कन्हैया को, कि श्री जी को भी दिख रहे हैं, इस सखी को भी दिख रहे हैं, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इस सखी को दिख रहे हैं, ये जो अभी अभी आई है, ऐसा क्यों।
तो रूपमंजरी ने पूछा कन्हैया से, तो मानो कन्हैया कह रहे कि मैं इस सखी को इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी इसको राधा रानी ने आलिंगन किया है, हृदय से लगाया है, इसलिए इसे मैं दिखाई दे रहा हूं। और दूसरी बात ठाकुर कहते हैं कि तुमको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अगर तुमको भी दिख गया और तुम भी इन जैसी बावरी हो गई तो राधा रानी को संभालेगा कौन? राधा तो बावरी है, साथ में ये सखी भी बावरी हो गई, तू भी बावरी हो जाएगी तो मेरी श्री जी को कौन संभाले? इसलिए एक तो कम से कम समझदार चाहिए, इतनों के झुंड में सारी बावरी इकट्ठी हो जाओगी तो श्री जी को कौन संभालेगा? ललिता समझ गई कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि मैं श्री जी को उनके निकुंज तक पहुंचा दूं। ललिता बोली, चलो कृष्ण को देखना है ना तो मेरे साथ चलो। श्री जी का हाथ पकड़ा और जबरन लेके चल पड़े। हम क्या प्रेम समझे, पूरे मार्ग में श्री जी श्याम सुंदर के मिलन के लिए मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। इतना विरह तीव्र होता है कि बेहोश होके भूमि पर गिर जाती हैं। इस लीला से ये बात भी सिद्ध होती है कि बिना किशोरी के कृपा के श्याम सुंदर सामने खड़े भी होंगे तो भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इतना पता है कि श्री जी राधा रानी खूब करुणामयी है, कृपालु हैं, और जीवन में जब कहीं भी ठाकुर न दिखाई दे रहे हों तो उनकी शरण में चले जाइए। वो ऐसी कृपा करेंगी, वो आपको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपको अपना ऐसा बनाएंगी। पति तन ही को देती प्रेम धन। अब जिसके पास करोड़ों करोड़ों अरबों की धन हो तो उसको हजार दो हजार देने में कोई जोर नहीं पड़ता, वो तुरंत दे देता है। तो राधा रानी प्रेम की खान है, अब उस खान में से थोड़ा बहुत प्रेम देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए जो उनकी शरण में जाता उसको प्रदान कर देती है।